heavenly creator who knows what is the life of a man after his death. God is expecting you and me also to be like Jesus. வசனங்களை உட்கொள்ளுங்க, வெள்ளசாலி ஆகுங்க, நல்ல உற்சாகப்படுங்க. Will compensate every trouble that you had undergone in the hands of the people. Genesis chapter 3 verse number 15. Genesis chapter 3. आज के मनन के लिए हम फिर से देखेंगे उत्पत्ति तीसरे अध्याय के 15 आयत. Genesis chapter 3:15. उत्पत्ति तीसरा अध्याय के 15 आयत. Shall we read? So we got to go further in this scripture. We find the word enmity. Now please tell me whether we have seen few scriptures from John, 1 John chapter 3:8 and etc. Have you seen that? Yes. We have seen that? Yes. All right. So, just to recap of what we have seen, we will go further. There is an enmity between two groups of people. दो झुंड के बीच में एक बैरभाव है, शत्रुता है. So in the whole world, पूरे संसार में there are two groups, दो समूह के लोग हैं. One is a righteous group, एक जो धर्मी झुंड है. Another is an unrighteous group, दूसरा जो कि अधर्मी झुंड है. Now there is an enmity here between these two groups. इन दोनों समूहों के बीच में एक बैरभाव है. Because it says, I will put enmity. क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैं तेरे उनके दोनों के बीच में बैरभाव रखूँगा. Between you and the woman. और तुम्हारे और उस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा. Please understand. God doesn't say your people and my people. परमेश्वर यह नहीं कहता कि तुम्हारे लोग हैं और मेरे प्रजा लोग हैं. द सीड ऑफ द वुमन विल डील विथ यू. और जो स्त्री के वंश क्या करेगा, तुझे नष्ट करेगा. टेल मी हाउ मेनी कुड अंडरस्टैंड. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स ओके. कैन यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी कुड अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पाए? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन नाउ. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा. हाउ मेनी ऑफ यू से दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड? कितने लोग ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया? आई वॉन्ट टू सी आई डिडंट अंडरस्टैंड. ये कितने आप में से कितने लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया, हाथ उठाए. दैट्स गुड. सो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग फर्दर विदाउट क्लैरिफाइंग एट दिस पॉइंट. बिना समझे या उसके सुलझाए हम आगे नहीं बढ़ना है. नाउ लिसन प्लीज. आप ध्यान से सुने. यू फाइंड एन एनिमिटी बिटवीन that word. दोनों सब के बीच में एक बैरभाव को आप देखते हैं. When you use the word between, जब आप बीच में जो शब्द आप देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, that word between brings two. ये जो दोनों के बीच में आता है. I'm going very slow. Okay, between means two. बीच का मतलब दोनों के मध्य में है. बिटवीन ए ग्रुप एंड बी ग्रुप. ए समूह के लोग हैं और बी समूह के लोग. बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड. या पहला या दूसरे झुंड के बीच में. नाउ हियर टू अगेन. अब फिर से यहाँ पर भी दो समूह के लोग दिखाई देते हैं. वन इज योर सीड. पहला जो कि तेरे वंश है. सीड ऑलवेज रेफर्स टू जनरेशंस. जो बीज या वंश का है, पीढ़ी को या उनसे वंश को, वंशधर को बताते हैं. सीड ऑलवेज रेफर्स टू जनरेशंस. उनके आगे वाले पीढ़ी को बताते हैं. सो योर सीड मींस, योर सीड मींस तेरा वंश का मतलब है. दैट यू हैव बिगाइल्ड ह्यूमन बीइंग्स. तुमने जो मनुष्य जाति को क्या भ्रष्ट कर दिया है. यू हैव डिसीव्ड human beings. तुमने जो मानव जाति को धोखा दिया है. so there will be a group who
who are deceived by you, there will be a generation, your people, they will become your people. जो भी तुझसे धोखा खाए हैं या धोखा पाए हैं वे उनका एक वंश होगा वे सारे तेरे लोग या तेरे वंश के होंगे Did you understand this? समझ में आया And if there is one group, there will be another group. अगर एक समूह है तो दूसरा समूह भी होंगे If there is one group, there is another group. Then who is the another group? अब दूसरा समूह के लोग कौन है The seed of the woman वो स्त्री का वंश है seed means good generations of the woman वो स्त्री के वंश है hallelujah hallelujah and you will bruise the heel of the seed of the woman तू उस स्त्री के वंश के एड़ी को डसेगा not seeds उनके बहुत लोगों को नहीं इट डजंट से सीड्स अब वे बहुवचन में नहीं है प्लूरल नॉट इट्स ओनली सिंगुलर वहां पर केवल एक ही वचन में लिखा है सो यू विल ब्रूज हिज हील तू उसके एड़ी को डसेगा आई मीन हर सीड यू विल ब्रूज हर सीड एंड इट शैल ब्रूज thy हेड Yeah, his heel. You will bruise his heel, and he will bruise your head. और तू उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा. Hallelujah. Hallelujah. Heel refers to the subjection. जो ही एडी का मतलब है उसके अधीन को दर्शाता है सपोज यू फाइंड सम काइंड ऑफ या इंसेक्ट और सेंटीपेड और व्हाट यू कॉल सम पॉइजनस क्रीचर्स एंड यू हैव अ शू आई मीन हील व्हाट यू डू यू विल क्रश स्टैम्प इट जब आप किसी के जहरीले कीड़े या किसी कीड़े को देखते हैं इट रेफर्स टू subjection when you stamp it it can't move jab aap us par kadam rakh dete hain to wo hil nahi pate it can't move head refers to authority sir kabhi bhi adhikar ko hi dikhata hai super huh? I don't know whether you call it as super but I call it as super because I call it as super because I know I understand Heel refers to subjection. जो एडी जो कि अधीनता को दिखाता है. Have you seen like this? Which means what? Which means what? वो उसका I have subjected it. क्योंकि मैं उसको अपने बस में कर लिया. It can't stand now. तुम अब खड़े नहीं हो सकते. Head refers to authority. सिर कभी भी अधिकार को दिखाता है. Head is respectable. सिर जो कि आदरणीय है. Take any place, head is head. कहीं अब कुछ भी ले उसमें उसका जो मुखिया ही है. Head is head. Come here. मुखिया जो मुखिया ही है. Hallelujah. Hallelujah. Head of the college. जो कॉलेज के मुखिया है. Principal. जो उसके प्राचार्य हैं अथॉरिटी उसके पास अधिकार है हेड ऑफ द हॉस्पिटल अस्पताल के अधिकारी जो मुखिया हैं हेड ऑफ द स्टेट राज्य के मुखिया हैं पावर अथॉरिटी रेस्पेक्ट एवरीथिंग इज देयर फॉर उनके पास सामर्थ्य है अधिकार भी है और इज्जत भी है नाउ लिसन केयरफुली बड़े ध्यान से सुने आई होप यू आर विथ मी गुड You will bruise his heel. तू उसके एड़ी को डसेगा. You will go and bruise his heel. तू उसके एड़ी को डसेगा. Heel refers to. So he will subject you. तो वो तुम्हें क्या करे अपने काबू में कर लेगा. And he will bruise your head. वो तेरे सिर को कुचल डालेगा. Head refers to. Head refers to authority. So,
Satan's head refers to Satan's authority. शैतान के सिर जो है शैतान के अधिकार है. God's head refers to. बोलिए बोलिए. परमेश्वर के सिर परमेश्वर के अधिकार है. Now, in one place, in only one place itself, your authority is crushed and you are subjected. और एक ही जगह में ही क्या है तुम्हारे इज्जत और तुम्हारा अधिकार क्या हो गया अधीन में आ गया. I don't know how you understood at the same time. एक ही समय पर at the same time एक ही समय पर I didn't know how whether you really got it or not. You are coming under subjection. तुम अधीन में आ जाते हो. And you are his leg, his heel, as in is on your head. और उसके जो पैर या उसके जो एडी है तुम्हारे सिर के ऊपर है. So you are first of all subjected. आप सबसे पहले तो उसके अधीन में आ गए. You can't raise. तुम उठ नहीं सकते. Plus. उसके साथ. Your head is crushed. उनके तुम्हारा सिर भी कुचला गया. That means your authority is crushed. तुम्हारे अधिकार भी कुचला दिया गया. So. In Tamil, we used to say that one stone, two mangoes. जैसे एक कहावत है, एक तीर में दो शिकार. आज इंग्लिश में सुनना नाला इल्ला. उर कल्ले रेंड मांगा. एक तीर में दो शिकार. In Tamil, there is a proverb. तमिल में एक कहावत है. A fellow threw one stone on a mango tree. एक व्यक्ति जो के पत्थर आम के पेड़ में मारता है. Two mangoes fell. दो आम नीचे गिराता है. कितना स्टोन पत्थर? एक कितने पत्थर मारा? एक पत्थर. एक पत्थर मारा. कितना फल? कितने आम गिरा? दो. दो. एडवांटेज. हालेलुया. सो वन कल टू. ओके. सो नाउ वन स्ट्रोक. एक ही. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन. Now you have to explain. आपको बताना होगा. One stroke. एक ही तीर पे. Is crushed. उसको वो कुचला गया. Second. दूसरा. That is crushed. That is subjected. Number one. Authority is gone. Finished. और उसके अधिकार भी चला गया. If somebody's head is under our feet, what does it mean? अगर हमारे पैर किसी के सिर के ऊपर हैं. Finished. हम उस पर चढ़ा हावी हो जाते हैं. There is a very funny way of saying to a person who has come up to the higher level. If suppose somebody doesn't like him. अगर कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत करके ऊपर उठा है और कोई उसको दूसरा नहीं चाहता है. People will say, I know how you came up. लोग कहते हैं कि हम जानते हैं कैसे तुम ऐसा आए हैं. You know how? आप जानते हैं? Count the number of heads under his feet. कितने लोगों को वो दबा कर आया है? Count the number of heads. कितने लोगों को वो दबा कर आया है? So he is suppressing people and then coming up. वो दूसरों को दबा के क्या है ऊपर बढ़ जाता है. Somebody is supposed to get the promotion. किसी और का प्रमोशन होना था. Somebody is supposed to come to the seat. किसी और को वो कुर्सी पदवी या मिलना था. This fellow is very clever. वो बहुत ही कुटिल है, चतुर है. He will cut that. वो उसको क्या कर देगा? He will go to the top man. वो उच्च अधिकारी के पास जाकर. And spoil the opportunity for somebody. और किसी और की जो क्या मौका को खराब कर देता है. So he will not come. ताकि वो ना आए. So like that, so many people. ऐसे कई लोगों का. So put them under. वो सब कुछ क्या कर दे अपने कदमों तले रख. That's how people say. लोग ऐसे कहते हैं. So authority is lost and he is subjected forever. उसके अधिकार भी चला गया. He can't raise. एक साथ ही उसके अधिकार भी चला गया और उसका सिर कुचला गया. Who is that person who does the job? कौन है वो जो ये करता है? Seed of the woman. वो स्त्री का वंश है. That seed of the woman will come and will finish you.
अब वो स्त्री का जो एक वंश आएगा और तुझे पूरी रीति से मिटा देगा. इफ यू हैव अंडरस्टूड देन यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. अगर आपको ये समझ में आया तो आप बहुत ही आनंदित होंगे. हु इज दैट सीड? कौन है वो वंश? सीड इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. वो वंश और कुछ नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है. सो इट इज इन जेनेसिस about the Lord Jesus Christ. वो उत्पत्ति में ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है. Where Jesus Christ is said? कहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कहा गया? And said to whom? किसके बारे में कहा गया? Woman, said to Satan, not even to man. इंसान को नहीं लेकिन शैतान को कहा गया. Not even to man. God told serpent, Satan. परमेश्वर ने उस सांप या शैतान को कहा, सीड ऑफ द वुमन माय सन विल कम. जो स्त्री का वंश मेरा जो पुत्र बेटा आएगा. एंड थ्रू हिम जनरेशंस विल कम. और उसके बाद और काफी वंश आएंगे. दैट इज कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्स. वही जो साधुओं के राजमार्ग है. हाईवे ऑफ सेंट्स साधुओं के राजमार्ग है. That's why Jesus said, "When I rise up, तब यीशु ने कहा, जब मैं जी उठूंगा, I will draw all men unto me." अब मैं सबको मेरे पास लेकर आऊंगा. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? When I rise up, जब मैं जी उठूंगा, that is on the third day. जब वो तीसरे दिन, Easter. Easter के दिन में, I will draw all men unto me. मैं सबको मेरे पास लेकर आऊंगा. That's how we are here. इसी रीति से आज हम यहाँ पर है. We are the generation of the seed of the woman. हम वो स्त्री के वंश के उसके पीढ़ी हैं सारे वंश जो है. Hallelujah. Hallelujah. We are the generation of the seed of the woman. वो स्त्री के जो वंश है उसके वंशधर है हम. But then I tell you. लेकिन मैं एक बात. There will be an enmity between these two, seed of the woman and you. और मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर जैसे लिखा है कि तेरे और तेरे स्त्री के वंश के बीच में बैर भाव रखेगा. Enmity between you and the woman. और यहाँ पर लिखा है तेरे बीच में और उस स्त्री के बीच में. And between your seed and her seed. और तेरे वंश में और उसके वंश के बीच में. फर्स्ट इज बिटवीन यू एंड द वुमन. आप पहले सबसे पहले तेरे और उस स्त्री के बीच में. टेल इट फर्स्ट फर्स्ट याद सबसे पहले बिटवीन यू एंड द वुमन. आप पहले तेरे और उस स्त्री के बीच में. सिंगुलर लवर्द. वहां पर एक वचन में लिखा है. नाउ कम्स द प्लूरल. यहाँ पर बहुवचन में आता है. योर सीड तेरे वंश के. हर सीड और उसके वंश के बीच में. हालेलुया हालेलुया. लेट्स मार्च फॉरवर्ड. Hope you understood this at least. आप लोगों को समझ में आया होगा. Good. That's good. Appreciate you. Now let's look at John 18:36. आइए हम देखेंगे यूहन्ना 18 उसके 36 आयत को. John 18:36. यूहन्ना उसके 18 अध्याय के 36 आयत. Okay. John 18:36. यूहन्ना 18 अध्याय के 36. Read very carefully. बड़े ध्यान से उसे पढ़े. Read carefully. Jesus answered. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight. My servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Now is my kingdom not from hence. What did Jesus say here? यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है? He uses two words. यहाँ पर दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं. One is my kingdom. पहला जो मेरा राज्य है. And my servants. और दूसरा मेरा सेवक है. I want you to come back to the study. Hallelujah. Not a preaching, okay? Just learn. My kingdom. मेरे राज्य के हैं. My servants. और मेरे सेवक. Which means, what do you get from this? इसका मतलब है इससे आपको क्या समझ में आता है? There is another kingdom. वहाँ और एक दूसरा राज्य है. If he says my kingdom. अगर वो कहते हैं कि मेरा राज्य है. अयो. Some people switched off and sitting here.
if he says my kingdom, जब वो कहता है कि मेरा राज्य है, then it means there is another kingdom. इसका मतलब और दूसरा राज्य भी है. Satan's kingdom. शैतान का राज्य है. If he says my servants, अगर वो कहता है कि मेरे सेवक, Satan's servants also will be there. शैतान के सेवक भी होंगे. Understand here. Clearly he said these two. इन दोनों में बड़ी साफ साफ रीति से वो कहता है. In all the scriptures that we read, it will these scriptures you will find a connection to Genesis 3:15. जो भी वचन को हम पढ़ेंगे उनमें से सारे उत्पत्ति तीसरे अध्याय के 15 आयत के साथ जुड़े हुए हैं. Shall we go to John 1:12? क्या हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12 आयत? John 1:12. यूहन्ना उसके 1:12 आयत. Come on, you must have a desire just to take it as quickly as possible and then find out what is there. What is that? Excellent. But as many as. जितनों ने received उसे ग्रहण किया, God's kingdom, that is the seed of the woman. अब वो जो परमेश्वर का राज्य उस महिला स्त्री का, that is Jesus Christ. वो यीशु मसीह. As many as have received, to them he gave he the power to become sons of God, even to them that believeth on his name. Now you find a group of people who are there. आप यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में एक समूह के बारे में लिखा है. Who are they? कौन है वे? Sons of God. वो परमेश्वर के संतान है. That means the generation of the seed of the woman. इसका मतलब है कि वो स्त्री के वंशधर है. You understand that? समझ में आ रहा है? Hey, that's right. Now, whoever. जो भी कोई. In the other kingdom, जो दूसरे राज्य में है, that is in the kingdom of darkness, जो कि अंधकार के राज्य में है, believes in me, जो मुझ पर विश्वास करता है, बोलिए, whoever, जो कोई, in the other kingdom, जो दूसरे राज्य में है, दूसरे राज्य means whose राज्य, किसका राज्य है वो, it is Satan's kingdom, वो शैतान के राज्य है, believes in me, मुझे विश्वास करता है, hallelujah, hallelujah. God has given the power to become the sons of God. परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है. So from evil kingdom, darkness, kingdom of darkness, into righteous kingdom and kingdom of God. जो अंधकार के राज्य से या दुष्ट राज्य से वो परमेश्वर के राज्य के संतान हो जाता है. Hallelujah. Hallelujah. That's what you and I are here. उसी रीति से आज आप और मैं यहाँ पर हैं. Once upon a time we were in the evil kingdom. एक समय था कि हम उस दुष्ट राज्य में थे. I think we should be very happy. इससे हमें बड़े आनंद. We were in the kingdom of darkness. हम अंधकार के राज्य में थे. But now. लेकिन अब. We believed Jesus Christ. हम यीशु मसीह पर विश्वास किया. Hallelujah. Hallelujah. So now we have been transported from darkness into light. हम अंधकार से ज्योति की ओर आ गए. From the evil kingdom into righteous kingdom. हम बुरे राज्य से धर्मी राज्य की ओर आ गए. You call it as a preaching or you call it as a Sunday school, I don't care, but we are enjoying the word of God. That's okay, fine. 1 John chapter 3:9-10. पहला यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय के 8, 9, and 10 आयत. 1 John chapter 3:9-10. पहला यूहन्ना तीसरे अध्याय के 9 and 10 आयत. नल्ला स्लोवा अंडरस्टैंड मणि नाउ. नाउ व्हाट डज द बाइबल से? कम ऑन लेट्स रीड. Whosoever. संसार में जो भी कोई इज बॉर्न ऑफ गॉड डथ नॉट कमिट सिन फॉर हिस सीड रिमेनेथ इन हिम. व्हाट इज हिस सीड? उसका बीज का मतलब क्या है? सुपर. अरावद कंडुडिच सोलंगा. सीड मींस व्हाट? वो बीज का मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है. सीड ऑफ द वुमन, वो स्त्री का वंश है. व्हाट इज दैट सीड? वो हु इज दैट सीड? वो बीज कौन है? इट इज नॉट इट बट इट इज ही पर्सन.
person. वो व्यक्ति है, कोई वस्तु नहीं है. So that व्यक्ति, he remains in a person who is born of God. जो परमेश्वर से जन्मा है, उस व्यक्ति के अंदर वो व्यक्ति क्या करता है, रहता है. Now whosoever is born of God, जो भी परमेश्वर से जन्मा है, does not commit sin. वो पाप नहीं करता. Why? क्यों? His seed. क्योंकि उसका बीज. In the place of his seed, we can put Jesus Christ. हम उसका बीज के बदले में हम यीशु मसीह उस रख के. So now let us read like this. हम ऐसे पढ़ेंगे. Whosoever is born of God doth not commit sin. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि Jesus Christ remains in him. यीशु मसीह उसमें बना रहता है. Beautiful. And he cannot sin. और वो पाप कर ही नहीं सकता. Because he is born of God. क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है. Amen. Amen. So now we belong to God through Jesus Christ. That means we are born into the kingdom of God. और हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से जन्मा है और हम परमेश्वर के राज्य के हैं. Amen. Amen. Let's see one more scripture now. Let's see one more. John 17. Let's on first John chapter 3:1. Let's see this scripture. First John chapter 3:1-3. पहला योहन्ना तीसरा अध्याय के फिर वही पे एक से लेकर तीन आयत तक. Hey, let's see. What does this scripture say? इस वचन इनमें क्या लिखा है? Behold means in English Bible, look. और देखो. Every time behold comes, look. Behold. Look, that's the meaning. Look, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called sons of God. Therefore, the world knows us not, because it knew him not. Beloved, now we are... You got to travel with me. Now we are sons of God, and it does not yet appear what shall we be. But we know that when he shall appear. Who is that he here? यहाँ पर वो कौन है? No, who is that? Jesus. Seed of the woman. No, come back there. Seed of the woman. When the seed of the woman, that is Jesus Christ, the Son of God. Now comes Jesus Christ, the Son of God, etc., etc. He shall appear. We shall also be like him. Like whom? किसके समान? Like seed of the woman. Hallelujah. स्त्री के वंश के समान होंगे. Who is he? कौन है वो? Who crushed the authority of the devil? जिसने कि शैतान के अधिकार को कुचल डाला है. Now that is why Jesus says. इसलिए यीशु मसीह कहता है. I have given you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. He said. Luke 10:19. उसके 19 आयत में कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने की अधिकार देता हूँ और सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूँ. To tread upon serpents and scorpions. और बिच्छू और सांप को रोंदने की सामर्थ देता हूँ. Jesus said. यीशु ने कहा. Now you understand what is your stand in Christ? आप अभी आपको समझ में आए कि आप यीशु मसीह में कौन हैं? What is your position in Christ? यीशु मसीह में आपकी स्थिति क्या है? All these things will operate in your life and in my life as long as we maintain holiness of God. और आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये सब तब लागू होगा जब हम पवित्र जीवन जिएंगे. अदरवाइज दैट ए पर्सन हु सिंस इज इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस इवन दो ही हैज अ क्रिश्चियन नेम. भले ही एक व्यक्ति मसीही नाम रखा है, जब वो पाप करता है वो अंधकार के राज्य में है. ए ब्यूटीफुल नेम लाइक थॉमस. एक बहुत ही अच्छा नाम है जैसे कि थॉमस है. And Thomas is now driving rail engine. Let's say.
जब थॉमस सिगरेट पीता है, थॉमस इज इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस, थॉमस उस अंधकार के राज्य में है, फ्रेंड ऑफ द डेविल, वो शैतान के मित्र है, he has nothing to do with God, वो परमेश्वर से कुछ लेनदेन नहीं है, so devil is very happy with thomas, थॉमस के साथ शैतान बहुत ही खुश है, he is on my side only, वो क्योंकि वो मेरे पक्ष का है, but he has a beautiful name, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा नाम है, name does not bring any value, उस नाम कोई मूल्य को लेकर नहीं आता है, a person may be sarvanan, एक व्यक्ति का नाम सर्वनन है, a person may be कृष्णमूर्ति, चाहे किसी और का नाम कृष्णमूर्ति भी हो, a person may be named as अब्दुल कादर, चाहे एक अब्दुल कादर का नाम भी रखा होगा, but he maintains the holiness of God, लेकिन वे परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन जीता है, he is a child of God, वे परमेश्वर के संतान है, he is in the kingdom of God, वो परमेश्वर के राज्य में है, he is in the kingdom of righteousness, वो धार्मिकता के राज्य में है, and such a person has authority over the enemy, और उसके पास ही सारे शत्रु के ऊपर अधिकार है, who is he, कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति है, अब्दुल कादर, अब्दुल कादर, but a person, traditional person, Thomas, लेकिन जो रीति रिवाज नाम है उनका मसीह नाम रखा है, in the name of Jesus Christ, go go go, Satan will laugh, वो अगर कहेगा यीशु मसीह के नाम से जा जा, जब शैतान उसे देखकर हंसेगा, he has a name, उनके पास एक नाम है, but he practices sin in his life, लेकिन वो अपने जीवन में पाप करता रहता है, that means the seed of the woman is not in his heart, इसका मतलब है कि वो स्त्री का जो वंश है उसके अंदर नहीं, who is the seed of the woman, वो स्त्री का वंश कौन है, Jesus Christ, यीशु मसीह है, but a person by name Krishnamurti, लेकिन एक व्यक्ति जो नाम जिसका नाम कृष्णमूर्ति है, a true believer, एक सच्चा विश्वासी है, a true Christian, एक सच्ची मसीह है, Jesus is in his heart, यीशु मसीह उनके दिल में है, the Holy Spirit is in his heart, पवित्र आत्मा उनके दिल में है, maintains a wonderful life, वो अपने आप को अच्छे जीवन बनाए रखता है, stays with God in prayer, और प्रार्थना में समय परमेश्वर के साथ बिताता है, reads the word like anything, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, he is getting away from any sin and sinful things, no, no, सारे पाप और पाप में कार्य से वो अपने आप को बचा कर या दूर रखता है, Satan will be afraid of him, शैतान उससे कभी भी डरते, he is a child of God, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान है, maybe Krishnamurti, शायद वो कृष्णमूर्ति भी हो सकता है, but he is not old Krishnamurti, लेकिन वो पुराना कृष्णमूर्ति नहीं रहा, he is a person in Christ, वो एक मसीह में एक व्यक्ति है, you understand that, समझ में आया, that's how many Christians are powerless in this world, aise hi aaj kai masihi ashaktihin jeevan jeete hain, but they are good church comers and church goers, lekin ve kalisya mein aana jana bahut hi church coming church going is good, church mein kalisya mein aana jana bahut hi acha hai, fine, but they miss the power of God, lekin ve parmeshwar ke samarth ko prapt nahi kar pate, there is no victory in their life, unke jeevan mein koi jayavant nahi hai, the reason is there is no seed of the woman in their hearts, wajah ye hai ki jo stree ke vansh unke dil mein nahi, they don't comply with the Lord Jesus Christ, their life does not match with the conditions of the Lord Jesus Christ laid in the Bible, ab parmeshwar ke vachan ke anusar yeshu masih ke jo mang hai shart hai unke sath unka koi mel nahi khata, they must match, ab mel khana zaruri hai, our life must match with the conditions of God, parmeshwar ke diye gaye jo bible hai wo us bible ke shart ya mang ke anusar unka jeevan mel khana zaruri hai, because nobody can fool God, kyunki parmeshwar ko koi murkh nahi bana sakta, the devil will prove it, shaitan use praman kar sakta hai, one day there were sons of high priest skeva jo kya jo mahayajak the uske jo bacche the, these fellows want to chase the devil, abhi shaitan dushtatma ko bhagana chahe, they said in the name of Jesus go go go, they said, unhone kaha ki ab yeshu masih ke naam se nikal jao nikal jao, the devil got angry, dushtatma un par krodhit ho gaya, wrapped them up, unko kya kar diya pura chhin liya,
And the devil said, Satan ne kaha, I know Paul. Main Paulus ko janta hu. I know Jesus. Main Yeshu ko bhi janta hu. Who are you to chase me out? Tum kaun ho jo mujhe bhagane wale? And the devil pounced on them. Ab Bible mein likha hai Satan un par chadhav kiya. And finished them. Aur unko phad khaya. Their shirts, everything tore. उनके क्या है कपड़े कमीज फट गया. These fellows ran for life. अब अपने जीवन के बचाव के लिए भागने लगे. What did the devil say? शैतान क्या कहा? I know Paul. I know Jesus. मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ. Who are you these fellows? तो तुम कौन हो? Your father may be a chief priest. तुम्हारे पिता शायद एक महायाजक होगा. But then you have no right to call me out. लेकिन तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं कि तुम मुझे भगाए. Because your lives, the Son of God is not in them. क्योंकि in you. तुम्हारे अंदर परमेश्वर के पुत्र नहीं है. Devil is afraid of only one name. शैतान केवल एक ही नाम पे डरता है. That name is Jesus Christ, our Lord. वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम है. Now, for example. आये उदाहरण के लिए. George Robert plus Jesus Christ. George Robert के साथ. You put your name. आप अपने नाम उसमें जोड़ सकते हैं. Jesus Christ in George Robert. यीशु मसीह George Robert के अंदर हैं. So you put your name. Jesus Christ in you. Like your name. आप अपने नाम उसमें कहे. The devil is mortally afraid. शैतान पूरे डर जाता है, कांपता है. Now. No Jesus Christ in me. अभी मेरे अंदर यीशु मसीह नहीं है. When you go and play with the devil, जब आप शैतान को भगाने के लिए कोशिश करेंगे, you will come out with broken hands and broken limbs. आप अपने हाथ पर तोड़े हुए आएंगे. Because the devil is not afraid of George Robert. क्योंकि शैतान जॉर्ज रॉबर्ट को नहीं डरता. But the devil is afraid of George Robert. अगर शैतान जॉर्ज रॉबर्ट को डरता है, when seed of the woman Jesus Christ is inside. जब यीशु मसीह जो स्त्री का वंश उनके अंदर होगा. The king is in the palace. जब वो राज पर क्या है प्रसाद में राजा होगा. You understood that? समझ में आया. King is in his resident. अगर राजमहल में अगर राजा होगा. And he is not a temporary resident, he is a permanent resident. वो क्षण काल के लिए नहीं लेकिन सदा के लिए उनका वास स्थान है. Some Christians make the king only as a temporary resident. कुछ मसीह लोग जो कि उन राजा को थोड़े समय के लिए उनको रहने के लिए देते हैं. So only at that period the devil will be afraid. उसी पल ही शैतान उस उन्हें डरेगा. And other times, लेकिन और बाकी समय the devil is happy. शैतान बहुत ही खुश है. Example. उदाहरण के लिए. In a company. एक कंपनी में. There is a president of a company who is a top man. जो प्रेसिडेंट की जो मुखिया है सबसे बड़ा. And now president does not come on all 6 days of the week. वो जो मुखिया पूरे हफ्ते के 6 दिन नहीं आते हैं. Maybe on a Tuesday or Wednesday suddenly he will come in his car, and at that time you will find the whole company, all departments, everybody sitting in their places and doing the work. और अचानक जब किसी एक दिन जो प्रेसिडेंट आते हैं तो आप देखेंगे सब कोई अपने अपने कुर्सी में बैठ के पूरे ध्यान से काम मन लगा कर करने लगते हैं. How we behaved in schools when the CEO comes in, what is that? Chief educational officer, CEO, DO, district educational officer. Teachers will train the students. DO is coming, therefore bring all your home books, home notebooks, everything, homework done, everything neat, colored, glittered, all drawings, everything, paka. Can't all that. Finally, the DO will not come on that day. और पर अगर स्कूल के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, उनके आने का बात होता है, तो सारे टीचर्स उनको बच्चों को सिखा देते हैं कि सब कुछ अपने नोटबुक सही रीति से बनाकर लेकर आए, लेकिन उसी दिन ही वो नहीं आते. But suddenly DO officers will come. लेकिन अचानक वो शिक्षा अधिकारी आ जाते हैं. यो इन्नाची इन्ना नडक्कपोदु अय्यो होमवर्क नोटबुक्स पडुक्कलैये टीचर्स विल वामिट एंड आल्सो गो डायरिया एवरीथिंग अय्यो बिकॉज़ डीओ इज हियर अय्यो चिल्ड्रन आल्सो विल गेट द बीटिंग्स. और बड़े अधिकारी शिक्षा अधिकारी होने के नाते टीचर्स लोग भी डरते हैं और बच्चों को भी. बट व्हेन द प्रेसिडेंट्स कार गोस अवे जब वो मुखिया के कार ऐसे बाहर चले जाते हैं. लाइक इन द डायलिसिस हीमोडायलिसिस यू गेट बैक द लाइफ व्हेन द ब्लड कम्स इनसाइड. यू नो हीमोडायलिसिस इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ यू नो डायलिसिस यू नो ओल्ड ब्लड विल गो
and gets purified in the machine, and purified blood comes back. When the blood goes out of the man, like that he will become. But when the blood comes, oh boy. जो डायलिसिस प्रक्रिया में पूरा आपके शरीर के जो खराब खून है जो बाहर निकल जाता है और अच्छे खून उनके अंदर आता है जब खून निकलता है तभी वो क्या मुरझा जाते हैं लेकिन जब अच्छे खून आता है उसके अंदर जान आ जाती है सो व्हेन सीईओस कार गोस अवे प्रेसिडेंट कार गोस अवे प्यूरिफाइड ब्लड केम इन जब सीईओ की या जो प्रेसिडेंट के कार बाहर निकल जाता है तो उनके अंदर वो अच्छे खून आ जाते हैं Again, president comes. अच्छा फिर से जब president आते हैं. In the same way. हाँ उसी रीति. Jesus Christ for some people is temporary resident. यीशु मसीह किसी लोगों के लिए जो कि कुछ समय के लिए ही उनके निवास स्थान है. So when he comes in. जब वो अंदर आते हैं. The devil is afraid. शैतान उनके घबरा जाता है. But our people don't keep him for a long time, sir. You please go to Simla. Enjoy vacation and come back. लेकिन हम लोग ऐसे क्या है उसे सदा के लिए रखने नहीं देते हैं उनको कहीं घूमने फिरने भेज देते हैं. Danger. वो बहुत ही खतरनाक है. The devil again will play. शैतान फिर से हमारे साथ खेलवाड़ कर सकता है. Because the devil knows that you don't have power. क्योंकि शैतान जानता है कि आपके पास कोई सामर्थ नहीं है. Children of God, be careful. परमेश्वर के संतान बहुत ही ध्यान देना होगा. Jesus should always be our permanent resident of this palace is bhavan mein yeshu masih ka nirantar rehna zaruri hai keep sin away paap ko dur rakhe keep sin away paap se dur rahe don't play with the sin paap se khilwad na kare don't ever touch that sin ab phir se wo paap ko na chhue be careful bade dhyan de satark rahe saying is easy kehna aasan hai listening is easy sunna bhi aasan hai but Living is difficult. लेकिन जीना मुश्किल है. But with the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ. With a willing heart. अब इच्छुक दिल से. With a willing heart. वो इच्छुक हम दिल से. We can live. हम जी सकते हैं. And Jesus will be inside. यीशु मसीह हमारे अंदर रहेंगे. The devil will be mortally dancing now. शैतान कभी कांपता रहेगा, थरथराता रहेगा. If you turn to the devil and say, "Hey, turn left." अगर आप शैतान को देखकर कहें. Devil say, "Yes, sir." वो बाएं मुड़ तो वो बाएं मुड़. Turn about turn. और वो turn right. और दाएं मुड़े. Stand upside down. वो उल्टा खड़े हो जाए. And do all this magic. जैसे आप devil will do. जैसे आप कहेंगे शैतान वही करेगा. Because you are the child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के संतान है. You understand that? समझ में आए? Don't be afraid of the devil. शैतान से ना डरे. The devil sometimes will manifest. Like that it will manifest. शैतान बड़ी चिल्ला चिक्कर आपको क्या कर ऐसे दिखाई. Don't be afraid of the noise. उसके आवाज से आप ना घबराए. Don't be afraid of all these magics. उसके करतूत से ना डरे. That's the devil's magic. वो शैतान का चाल है. He that is in you is greater than he that is in the world. क्योंकि वचन ऐसा कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो संसार में से बहुत बड़ा है. Many people sit in this church. I see that. Oh my God, what is this? We are already under the devil. Something like that. There is no excitement here. There is no excitement here. यहाँ बैठे लोग के अंदर कोई आनंद नहीं दिखाई देता. The king. Who is sitting inside is greater than any devil, any man, anything in this world. जो राजा हमारे अंदर बैठा हुआ है वो इस संसार के चाहे शैतान हो या किसी भी व्यक्ति से महान है. Now understand, you are not only to listen and appreciate and go. No, 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 no. लेकिन आप ये बात समझ रखे या ध्यान जान ले कि आपको सुनकर जाने के लिए नहीं है. Jesus said, "Go and deliver people from the oppression of the devil." That includes pastor as well as believers. यीशु ने जैसे कहा कि जाओ दुष्टात्मा के चंगुल से लोगों को छुटकर छुड़ाओ, तो वो पास्टर को भी है शामिल है उसमें और हर एक विश्वासी उसमें शामिल है. Hallelujah. Hallelujah. That authority God has given to everyone who believes in Him. हर एक जो उन पर विश्वास करता है वो अधिकार उन सब को मिला है. That includes you too. जो जिसमें कि आप भी जुड़े हुए हैं. So don't have a wrong thinking. आपके अंदर कोई गलत फहमी ना हो. That it belongs only to group of people called pastors, evangelists, things like that. आपके ये केवल पासवान लोगों के लिए है या सुसमाचार प्रचारक लोगों का ही काम है. The Bible says, "He that believeth."
कहता है कि जो कोई विश्वास करता है, if you believe, अगर आप विश्वास करते हो, you will see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे. Your faith, आपकी विश्वास, is the one that overcomes the world. जो संसार के ऊपर जीत लेकर आएगा. So nobody need to be jealous over other person. ता किसी के दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई जलन ना रखना. If you work for it, अगर आप ऐसा करते हो, God will use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. If you don't work for it, जब आप इसके लिए नहीं चाहते, God will not use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा. If you determine just to come to the church, listen, go, come, listen, go, come, listen, go, come, listen, go, God will keep you in the same place. अगर आप मन में ठान लेते हैं कि मुझे बस कलीसिया जाना है, सुनना है, आना है, कलीसिया आना है, जाना है, सुनना है, तो परमेश्वर आपको केवल उसी स्थिति में ही रखेगा. So you will be in that level only. केवल आप सदा के लिए उसी स्तर में ही रहेंगे. But if you understand what is your position in Christ as recorded in the Bible. लेकिन जब आपको आपके पदवी, आपकी स्थिति समझ में आता है कि जैसे यीशु मसीह के द्वारा वचन में लिखा गया है, then you will go to that position. तब आप उस पदवी को पाने के लिए, उस स्तर पर जाने के लिए कोशिश करेंगे. Now, if the pastor is an ego-filled pastor, अगर एक पास्टर जो कि स्वार्थी पास्टर होंगे, I don't know how swarthi comes. It's a selfishness, but ego is different. घमंड. Ego is different from swarth, swarthi or swartha parudu. Okay, fine. If he is as an ego-filled person, selfish person, अगर वो घमंडी होगा या स्वार्थी होगा, he will not tell you this. अब वो आपको ये सारे नहीं बताएगा. Whether he is an ego-filled person or whatever it is, but look at what the scripture is telling about you. चाहे वो स्वार्थी हो या घमंडी हो, लेकिन Alleluia. आप परमेश्वर के वचन को देखें कि वो क्या आपके बारे में कहता है. I am here to tell you what the scripture is telling about you. मैं यहाँ पर हूँ कि परमेश्वर के वचन आपके बारे में क्या कहता है, वो कहने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. There is one thing that you cannot take the office of the pastor. एक बात ये है कि आप जो पास्टर के जो पदवी, आप उसको आप कभी ले नहीं सकते, वो असंभव है. If you try, you will be a failure. अगर आप कोशिश करेंगे तो आप फिर क्या विफल हो जाएंगे. Because it is a calling. क्योंकि ये एक बुलाहट है. When you are not called, you will not be given anything. अगर आपको बुलाहट नहीं हुआ है, तो उस रीति से बुलाया नहीं, तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा. If you think you are also equal to the person in that office, अगर आप उनके बराबरी के सोचते हो, you are only dreaming. आप केवल क्या है, सपना देख रहे हो. Your dreams will never come true. आपके सपना कभी साकार नहीं होगा. But if you want to work for Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के लिए कुछ करना चाहते हो, then dream, तब कल्पना कर या सोच, that dream will come true. तब आपके सपना साकार होगा. So what you need to look at is not the office, आप उस पदवी को ना देखना, not to get into that office, अब या उस पदवी को पाने के या पदवी में होने के लिए ना सोचे, but do the command of the Lord Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के जो आज्ञा है उसका पालन करें. I want to be very clear here. मैं आप लोगों से बड़ी साफ रीति से कहना चाहूंगा. I know most of you children of God who always understand and then take your positions. But yet I have to tell you that. मैं जानता हूं कि आप लोग अपने अपने पदवी को, अपने स्थिति को जानते हैं. Yes. But some people will always look for some kind of a portfolio in the church. कुछ लोग जो कि कलीसिया में कुछ पदवी को चाहते हैं. Some kind of an authority in the church. कलीसिया में कुछ अधिकार को चाहते हैं. And if they are not given, अगर उन्हें नहीं दिया जाता है, they get upset. वे दुखित हो जाते हैं. And they think something that they are equal to the pastor. वे सोचते हैं कुछ लोग कि वे पास्टर के बराबरी के हैं. God has not called us to get into this kind of, you know, debates or whatever it is. परमेश्वर ने हमें इस प्रकार के तर्क में होने के लिए नहीं बुलाया है. This pastoral administration, church administration, and all this disciplining, everything comes to a person who has been called
and who has been given from heaven. Otherwise, nobody can do that job. ये जो पासवान की जो बोझ है वो स्वर्ग से हर दिया गया है और उनको वो अधिकार मिला गया है किसी सबको नहीं है. Some will think that way and then say, "Oh, he has not given me mic." कुछ सोचते हैं कि वो कभी मुझे माइक नहीं देते. He has not given me that. He has not given me that. I will not stay in this church. मुझे वो करने के लिए नहीं दिया गया, कुछ करने के लिए नहीं दिया गया. मैं उस कलीसिया में नहीं रहूँगा. That's a very wrong way. वो बहुत ही गलत है. If you are given, do it for the glory of God. अगर आपको मौका दिया जाता है परमेश्वर की महिमा के लिए करें. If you are not given, जब आपको नहीं दिया गया, stay away from it. आप उससे दूर रहे. Don't try to become a prominent person. आप अपने आप को ज्यादा मुखिया ना दिखाए. Hallelujah. Hallelujah. But on the other hand, go see the field outside. और लेकिन दूसरे पक्ष में आप जाकर बाहर देखें. See the field outside. आप बाहर जाकर देखें. There are many demon possessed people over there. ऐसा कई लोग जो कि शैतान दुष्टात्मा से ग्रसित हैं. Many people filled with so much of diseases. कई बीमारों से ग्रसित हैं. Go to the hospital and see how people suffer. आप अस्पताल में जाकर देखें लोग कितने कई प्रकार के बीमार से पीड़ित हैं. Go to the jails and see people why they came into the jail. जेल में जाकर देखें क्यों वे लोग जेल में हैं आज. Go to the marketplaces and see the agony of the people. और बाजार में जाकर देखें लोगों की पीड़ा को या दुख. They are laughing on the outside, but they are weeping on the inside. वो बाहर क्या अपने आप को हंसते हैं लेकिन अंदरूनी रीति से कि वो क्या है रोते हैं. Go and speak to them within your limits. Go and speak. Take boundaries. अपने क्षमता के अनुसार, अपने सीमाओं के अंदर आप उनसे जाकर बात करें. Tell about the Lord Jesus Christ. आप यीशु मसीह के बारे में उनसे बताएं. Use the God-given authority. That is, He has given the authority to you to preach. और आपको प्रचार करने के जो परमेश्वर के दिया गया अधिकार का इस्तेमाल करें. And pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करें. Chase the devils. दुष्टात्मा को भगाए. Bring them inside. उनको अंदर लेकर आए. That is the excellent work in the sight of God. वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा कार्य है. That's an excellent work. वो बहुत बड़ा कार्य है. Don't you ever try to create any political situation or a kind of a situation and try to lose the grace of God. कलिसिया में राजनीति या कई प्रकार की चाल को खेलने कर परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहे. That's mere waste of time. वे केवल समय को बर्बाद करना है. Our responsibility is very great. हमारी जो दायित्व है बहुत बड़ा है. Our responsibility is great and first of all many people don't even take up that responsibility. कई लोग जो इस बोझ को नहीं लेना चाहते हैं. The reason is they feel always that they are very much inadequate. वजह यह है कि वे उससे उनको या उसमें वो लेना नहीं चाहते हैं. कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. Not sufficient. उनको उतना तृप्त नहीं होता है. Not sufficient. तृप्त is different. Sufficiency is different. तृप्त means satisfaction. उनके लिए उतना काफी नहीं होता है. Ask God. परमेश्वर से प्रार्थना करें. Lord, what am I to do? मुझे क्या करना होगा? May the Spirit lead me. आत्मा मेरी अगुवाई करे. He will lead you. अब वो आपको जरूर अगुवाई करेगा. Switch off all other interest. अब बाकी सारे बातों को आप उसको क्या करें? उसको बंद करें. Concentrate on God. परमेश्वर के ओर ध्यान दे. That's profitable. वो हमारे लिए लाभदायक है. I think you are clear. आपको समझ में आया? Because we are in the highway of God's people. क्योंकि हम परमेश्वर के राजमार्ग में हैं. Let us read John 17:7. आइए हम यूहन्ना 17 अध्याय के 7वें आयत को देखें. Now they have known that all things whatsoever you have given me are of you. Now what does the Bible say? यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? You have given me. तुमने जो मुझे दिया. That means to be in the list of the highway of saints. वो साधुओं के वो राजमार्ग में होना है. They are with me. वे सारे मेरे साथ हैं. And they are yours. अब ये सब तेरी ओर से हैं. They also know that. वे भी जानते हैं.
How many of you know that you are in the highway of saints? कितने लोग आप में से जानते हैं कि आप लोग साधुओं के संतों के मार्ग में हैं? Nobody raised the hand except one. Therefore, you are in the highway of evil kingdom, is it? Then I said, how many of you are? I asked you a question. I will not come to that conclusion immediately. I am just cutting a joke, so don't take me bad. All right. How many of you know that you are in the highway of God's saints? आप में से कितने लोग अपने आप में महसूस करते हैं कि आप लोग उस राजमार्ग में हैं? Even if you don't raise your hand, you are in the highway of God's. Do you know? क्या आप जानते हैं? At least answer this question. Do you know? आप अपने आप में जानते हैं कि आप लोग? Do you know? Again, I ask you. Do you know? आप जानते हैं? I know you said yes, but I ask you again. Do you know? क्या आप जानते हैं? You know. जानते हैं? That's what they said they have known. यही वो यहाँ पर लिखा है वे जान गए हैं. They know. वे जानते हैं. See that? That's why I asked 2-3 times. इसलिए मैंने आपको दो. Jesus said they have known that all things whatsoever you have given me are of you. और अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से हैं. Now beyond doubt we know that we are children of God. अब हम निसंदेह जानते हैं कि हम सब परमेश्वर के संतान हैं. That's what Jesus said. वही यीशु मसीह कहता है. They know that. वे जानते हैं. That you have given me. तुमने मुझे दिया है. They are yours. वे सब तेरी ओर से हैं. And now they also know that. और वे भी जानते हैं. Which means they are in the kingdom, God's kingdom line. जिसका मतलब है कि वे परमेश्वर के राज्य के मार्ग में हैं. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now, how does God crush? How did Jesus crush the head of the devil? And how? What did He promise the descendants of His seed? 3 things. और अब हम देखेंगे कि कैसे जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला है और क्या प्रतिज्ञा उसने हमारे लिए दिया है. Let's take Genesis chapter 5. उत्पत्ति 5वें अध्याय को देखें. What is the very first word in first verse? पहला अध्याय के सबसे पहला शब्द क्या है? Okay, in English Bible it is there. Word will not come. What is the word of the name that you get in the first sentence? सबसे पहला नाम किसका आप पाते हैं? Adam. Adam है. Listen very carefully. There's a small exercise, and at the end of it, there is a question. ध्यान से सुने, ध्यान से देखें. आखिर में आपको सवाल किया जाएगा. If you are silent, अगर आप शांत हो, then you know what I will do. क्या जानते हैं मैं क्या करूँगा? I will answer. मुझे उत्तर देना होगा. Simple as that. First name. पहला नाम. Adam. आदम है. Then comes somewhere Seth comes. उसके आगे Seth. Comes there. Verse 3 and verse number 9. There is another person called Kattak na Ombodle. Enos is coming. Then 11, 12th verse again. And some name is coming. Pannandla 12. And Canaan is coming. Okay. 15th verse la, what else? Who else is coming? Mahalalel is coming. Apra 19th verse la, Jared is coming. Then 21 la, Enoch is coming. Then 25, Methuselah is coming. 28, Lamech is coming. Then 29th end, Noah is coming. Then coming going, then we have to go, and we have to go to Shem 32. Now 9th chapter 25 and 9th adhyay ke 25 ayat. 9th chapter 25, Canaan is coming. Canaan is coming. Then 26th Shem is coming. Then 27th Japheth is coming. And 10th chapter number 2 and 10th chapter number 2. Oh my God, so many fellows are there. Gomer, Magog, Madai, Javan, Dubal, Meshek, Teras. Ayyo, in the name alla namma vaayila poga mattingide. Like
Okay. Are you through this exercise? आपने ये सारे देखा है? Wait a second. Don't turn your Bibles. Up to 11th chapter. Don't look down. When I said 11th chapter, I said don't do. Started from chapter 5, and then now we are in 10th chapter, and then the 11th chapter will be there. 10 kapra 11th will come, I know. Up to that 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kullala, you find a huge amount of human population. पांचवें अध्याय से ग्यारहवें अध्याय तक काफी लोगों के नाम या उसके बहुत वंश को हम देखते हैं. हालेलुया. We don't have time to again say this population. That's a big. If that big population is included in the Bible will become like, I don't know, may go up to moon. I don't know. So it's all right. Now you find here. I'll ask you the question a little later. This is what we have seen. Now we have to come to Matthew chapter 1. अभी हम मत्ती उसके पहला अध्याय की ओर देखेंगे. So when you come to Matthew chapter 1, जब मत्ती पहला अध्याय को देखे, the very first name that you get there, सबसे पहला नाम आप देखेंगे. Very good exercise, huh? Very first name that you get there, Abraham. Yes. Abraham. Then second verse comes. Second ले यार वर्रा, Isaac वर्रे. Then Jacob, then third Judas varara, adukapram Pares, Phares, and then comes fourth la Haram, and Nagason, Nason is called Nagason Tamil potrukom. Then fifth Salmon, and Boaz, then Esai, Salmon, Rebeam, Asa, Usiah, Jodab, and Ezekiah, and 10th Josiah, and 12th Lechonia, and 13th Zerubbabel, Abiyut, 14th Asher, Zadok, and Ahib, Eliud, Eliasar, 16th Jacob. Read 16th verse. 16 ayat ko padhe. Full. Pure. I said read na, yenne pakranga. Sab koi padhe. Come on, read it now. And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Shall we enter into the deal now? Palama, question ko pola. Abhi sawal aapke liye. I'll not ask you a question, but the question is very tricky. See. We have seen big generation in Genesis. Did we see or not? Utpatti mein hum ek bahut bada vansh ko dekhte hain. And we have seen another generation in Matthew. Matti mein hum dusre ek peedhi ko dekhe hain. Now, what one can, I'm not saying what did you, what one can find is this. The Bible always in both the places or anywhere except 16th verse, except Matthew 1:16. Don't look at it. Except this, everywhere you will find he begat he. But in 16th, you will say she begat he. बाइबल में हम दोनों वंश जो पीढ़ी देखे हैं उन दोनों में हम देखते हैं कि उसने उसको जन्म दिया, उसने उनको जन्म लिया, उनको जन्म दिया. लेकिन केवल मत्ती पहला अध्याय के 16 आयत में ही एक महिला जो कि एक पुरुष को जन्म देने के बारे में लिखा है. यू चेक एंड फाइंड आउट. आप ध्यान से उसको देखे तो वही दिखाई देता है. ऑफ कोर्स इन मैथ्यू चैप्टर 1 यू विल फाइंड थ्री इंस्टेंसेस वेयर द फीमेल्स नेम्स आर आल्सो गिवन. अगर मत्ती के पहला अध्याय में देखेंगे तो तीन महिलाओं का नाम उसमें दैट इज तामार इन वर्स नंबर 3. तीसरे आयत में तामार का नाम है. देन फिफ्थ वर्स राहब. पांचवे आयत में राहब का नाम है. देन इन सिक्स्थ वर्स यू विल फाइंड बत्शेबा. तीसरा छठे आयत में उरिया उरियास अदन बत्शेबा ना सलमोन
Bathsheba. You don't find Bathsheba. Fifth verse, of course, Ruth. Panchve ayat mein Ruth bhi hai. This generation, that is, these females' names are different from the name Mary. ये जो महिलाओं के नाम मरियम के नाम से काफी अंतर है. The reason is, वजह ये है, they have a characteristic, you know, feature. That, for example, Tamar is a very characteristic feature. She has. उनका उदाहरण के लिए तामार का जो गुण है, उनके चरित्र है, बहुत ही अलग है. You don't get any nice picture when you come to Tamar. जब तामार के बारे में आप सोचते हैं, उनको कोई अच्छी बातें नहीं आती हैं. What about Rahab? Rahab के बारे में क्या? Rahab was a prostitute. वो एक बेस्या थी. You don't get a nice picture. हाँ, उसके बारे में कुछ अच्छे. Then what about Bathsheba? लेकिन बत्सेबा के बारे में क्या है? Something went wrong in that. उसमें कुछ गलत. Then what about Ruth? Ruth के बारे में क्या है? Ruth is a good lady. Ruth जो एक अच्छी महिला थी. Something went wrong again. उसमें भी कुछ गलत हुआ है. So just to pinpoint their characters, the four women are written here. उनकी स्वभाव या चरित्र को दिखाने के लिए उन लोगों का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है. But there is nothing. Nothing wrong with Mary. लेकिन मरियम से कुछ गलती नहीं पाया गया. In fact, उसके बदले में something supernatural is happening with Mary. लेकिन मरियम के साथ कुछ अलौकिक बातें हो रहा है. But nothing supernatural happened with Ruth or Tamar or Rahab or Bathsheba. No. Nothing. It's human. Ruth or Rahab or Bathsheba. उनके साथ कोई अलौकिक घटना या अलौकिक बातें नहीं दिखाई देता. So you cannot equate Mary and this woman. और इसलिए हम मरियम को उनके साथ तुलना या जो समान नहीं कर सकते. And now what comes? Who comes from Mary? यहाँ पर हम देखते हैं अभी मरियम से कौन जन्म लेता है. The Son of God comes from Mary. अब वो परमेश्वर का पुत्र उसके उसमें से जन्म लेता है. And did anybody come from Rahab like that? कोई राहब से ऐसा उनके समान आया? या रूथ से कोई आया? Or etc. Tamar. Tamar से या बेतसबा से? That means these people are used as just a pictorial representation, or just to pinpoint their characters there, and to talk about the human generation, but not a divine generation. और ये लोगों को केवल जो आमान या इंसान की जो वंश को दिखाने के लिए दिखाया इसमें लिखा गया है, ना कि एक परमेश्वर के वंश को दिखाने के लिए हैं. So you should not be confused with this. हाँ, इसलिए आपको इसमें द्वंद या गड़बड़ी होने की जरूरत नहीं है. But now when it comes to Mary, लेकिन जब मरियम के बारे में आता है, while everybody he begat he, जबकि उसने लिखा है कि उसने उनको जन्म दिया, उसने उनको जन्म दिया. 16th verse is very clear, she begat. लेकिन 16 आयत में इसमें लिखा है कि इस एक स्त्री के या महिला के बारे में, she begat Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को जन्म दिया. Why that she? क्यों यहाँ पर वो स्त्रीलिंग में लिखा है? Seed, her seed. उसके स्त्री का वंश. In Genesis chapter 3:15, you know. आप उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 आयत में लिखा है ना? That she is this she. और वही जो स्त्री है यहाँ पर उसके वो वंश है. And her seed is Jesus Christ. और उसके स्त्री का वंश है यीशु मसीह. Now I call it as super. मैं इसको बहुत सुपर कहता हूँ. I don't know how you call it. लेकिन आप कैसे कहते हैं बुलाएंगे मैं मुझे नहीं पता. Hallelujah. Hallelujah. You understood that? अभी समझ में आया? Again. फिर से. About this seed. Now इस वंश के बारे में. It has been prophesied earlier. और पहले से ही इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी. Now look Isaiah chapter 7 verse number 14. अभी इच्छा उसके 7वें अध्याय के 14 आयत को देखें. Now look Isaiah chapter 7 verse number 14. यशा 7वें अध्याय के 14 आयत को देखें. Isaiah chapter 7 verse number 14 on the screen. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Now, this is very clear that Isaiah 3:15 is foretold. Again told. यहाँ पर हम यहाँ पर साफ साफ दिखाएं जो उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 आयत में लिखा बोला गया था वो फिर से इसको कहा गया है.
Super, I say it as super, but I don't know how you say it. मैं उसको बहुत ही अच्छा कहता हूँ लेकिन आप कैसे ना वंदे सोलनो ना सुपर ना चलवे इधर निंगे अपने ना पैस सोला पोरिंग लो ना तेरी आदे सुपर अब डी ना चली करें निंगे आज ये ना तेरे के सुपर इधर लाया अब डी नोकांदर का मैं तेरी इधे ओके दिस इज सुपर ये बहुत ही अच्छा है व्हाट इज 315 जेनेसिस 315 इज अगेन टोल्ड हियर Therefore, it is super. जो उत्पत्ति तीसरा अध्याय 15 आयत में कहा गया था फिर से यहाँ पर वही बातें कहा गया है. And that Genesis 3:15, Isaiah 7:14 is now Matthew chapter 1:16. और अब जो उत्पत्ति तीसरा अध्याय के 15 आयत और यशा सातवें अध्याय के 14 आयत में कहा गया था वो अभी मत्ती पहला अध्याय के 16 आयत में पूरा हो रहा है. इवलों कहता है कपरन तिरपी मैथ्यू 1:16 ना नसे कुड़ा द 1:16 ना தடவிட்டிருக்க கூடாது தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை டாப்பிக்கு அப்போது அது சூப்பர் ஜெனசிஸ் 3:16, 3:15 சூப்பர் இது எகெயின் டெல்லிங் ஐசாயா 7:14 சூப்பர் சூப்பர் அப்போ ஜெனசிஸ் மேத்யூ 1:16 சப்பர் இல்லை சூப்பர் 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 3 சூப்பர் பிகாஸ் யூ சீ கமிங் சீ கமிங் அண்ட் தட் உமன் is born of the woman aur wahan par likha hai ki wo mahila se janma hai hallelujah now read galatians chapter 4:4-5 galatians chapter 4 galatiyon ke patri chauthe adhyay uske chauthe aur panchve ayat ko I think you are getting blessed with the truth of the lord amen now let's read galatians 4 chapter 4th chapter 4:5 गलतियों के पत्री चौथे अध्याय के चौथा आयत लेट्स रीड वेरी केयरफुली हु वांट्स टू लर्न एंड हु वांट्स टू डिग यार என்னடா எழுதி இருக்குது அப்படி பார்க்கலாமே அப்படிங்கற ஆசையோட இருக்கவங்க எத்தனை பேர் நோ கம் ஆன் லெட்ஸ் ரீட் பட் when the fullness of the time was come that is super and super super is over God sent forth his son made of a woman that is Matthew 1:16 made under the law super 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 இது எங்க போகுது காஸ்பலையும் தாண்டி எபிசில்ஸ்க்கு போறதுனால நாலு சூப்பர் जस्ट समाचार के से लेकर यहां पौलस के पत्री में आने के कारण उसको चार सुपर मिल रहा है सो Now I have taken you from Genesis. We are traveling from Genesis, Isaiah, then Matthew 1:16, Galatians 4:4-5 also. Let's read 5 also. To why this super 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 came? Why? क्यों ऐसा आया? Read. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Up now, super, 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 anji super, panch super. No super with you, okay? Panch super, fine. Now let us read Galatians chapter 3:16. एक बार गलतियों उसके तीसरा दे 16 आयत को पढ़े. Galatians 3:16. Who wants to explore the scripture now? Now to Abraham and his seed were the promises made he said not unto the seeds as of many but as of one and to your seed which is Christ hey now it is kitna super 6 in hindi 6 super Hallelujah. என்னையா யாரும் சூப்பர் போட மாட்டேங்கிறீங்கய்யா ஐயோ சி இட் டசன்ட் சே சீட்ஸ் यहां पर बहुवचन में तेरे वंशों को ले लिखा इट सेज ओनली वन सीड इन सिंगुलर ये केवल एक वचन में है तेरे वंश His seed, that is Abraham, because Abraham is a father of faith, you know. Abraham जो कि विश्वास का पिता है. Hallelujah. And through Christ we become the children of Abraham. और मसीह यीशु के द्वारा हम क्या अब्राहम के संतान हुए? We are not the seed of Abraham. हम अब्राहम के संतान नहीं हैं. We are not through the seed of Abraham. हम अब्राहम के संतान या उनके वंश नहीं हैं. The seed of Abraham is Isaac.
उसका वंश जो या जो क्या है संतान सीड ऑफ अब्राहम इज इस्माइल उसके वंश जो या उसका संतान जो इस्माइल है बट इस्माइल इज नॉट अ प्रॉमिस्ड बॉय क्योंकि वो प्रतिज्ञा का संतान ना होने के कारण आइसक जैकब एंड गोस लाइक दैट इसहाक याकूब ऐसे आगे बढ़ता गया व्हाई डस इट से सीड क्यों इसने ऐसा कहा कि एक वचन में भी दिस सीड इज डिफरेंट ये जो वंश अलग है इट इज क्राइस्ट क्यों जो कि यीशु मसीह है व्हाई क्राइस्ट क्यों मसीह है बिकॉज़ अब्राहम बिलीव Jesus Christ. क्योंकि अब्राहम यीशु मसीह को विश्वास किया. He referred to that seed. उसने उस वंश को दिखाया है. Since we are born of the seed of God. क्यों जबकि हम परमेश्वर के वंश में से जन्मे हैं. What is the seed of God? वो वंश क्या है? परमेश्वर का वंश क्या है? Seed of God. That is seed of the woman, Christ. We are born of Christ. हम मसीह यीशु में जन्मे हैं. Now we are people of faith. हम विश्वास के लोग बन गए बाई फेथ वी आर सेव्ड विश्वास के द्वारा हम उद्धार हुआ बाई फेथ वी आर सेव्ड विश्वास से हमारा उद्धार हुआ देयरफॉर वी बिकम चिल्ड्रन टू दैट फादर ऑफ फेथ अब्राहम तब हम इसलिए हम परम जो विश्वास के पिता है उसके संतान हो गए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया थ्री थिंग्स नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी आर द descendants we are the children to Abraham and we are in the highway of saints and now our master who is a seed of the woman is Christ Jesus how he crushed the devil's head usun kaise yesu masih jo hamara jo prabhu hai shaitan ke sir ko kuchla hai only three scriptures केवल तीन वचन को हम देखेंगे I need to see the explorers जो कौन से बड़ी Not Windows Explorer. I need to see Scriptures Explorer, Bible Explorers. जो बाइबल की खोजियों को मैं देखना चाहूँगा. How many Windows Explorers are there? Windows Explorer will be found only in the mall. That's the window shopping. என்ன கடையில் என்ன வச்சிருக்கான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். But then Bible Explorers are in the church. I believe they are here. Okay, fine. Three things. तीन बातें को हम देखेंगे. What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया हाउ डिड दैट सीड ऑफ द वुमन क्रश द डेविल कैसे वो स्त्री के वंश उस सांप को या शैतान को कुचला है John 12:31 नंबर 1 पहला जो है यूहन्ना 12 के 31 आयत I call it as a super मैं उसे बहुत ही अच्छा कहता हूं सो व्हेन सुपर कम्स सुपर विल फॉलो जब अच्छा आता है उससे और भी बेहतर आएगा एंड सुपर इज ओवर जब बेहतर खत्म हो जाता है सुपर विल कम ओके सबसे अच्छा भी आएगा वेट व्हेन थ्री सुपर्स आर ओवर जब तीन सुपर खत्म हो जाते हैं चार सुपर विल कम चौथा सुपर आएगा गेट रेडी उसके लिए तैयार हो जाओ John 12:31 यूहन्ना 12 की 31 रीड लाउडर नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड नाउ शैल द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड बी इज कैच दैट टाइम और उस समय टाइम हैज कम बिकॉज़ ही वांटेड टू ब्रूज द हील उस समय आ गया क्योंकि वो उसके एडी को कसना चाहता था ही वाज टू थिंग्स वन स्टोन टू मैंगो एक स्थिर पे दो शिकार है subjection and authority finished only one stroke that's all over for you ek hi sir pe to tika now the judgment of this world has come abhi wo sansar ka nyay hoga now this fellow is coming abhi wo aata hai he's touching my heel ab wo mere edi ko touch hai abhi unke liye samay hai now he now shall the prince of this world be out finished aur is sansar ke jo sardar ko nikal diya jayega Hallelujah. When we were in Punjab. जब हम पंजाब में थे looks like a high elite lady in the sense very decent family. वो बहुत ही अच्छे खानदान के हों looks very decent. बहुत ही भद्र दिखाई देते maybe bit धन्यवान होंगे धन्यवान maybe family rich people बहुत ही धनवान के अमीर व्यक्ति but the demon was just reeling at the time of prayer लेकिन जब प्रार्थना हो रहा था out उसका आखिरी शब्द था वो बाहर निकल गया out that's the command Jesus used and not only Jesus used but he is making us use
और वही जो आदेश है जो शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और ना ही वो खुद इस्तेमाल किया लेकिन हम सबको भी इस्तेमाल करने देता है. डू यू नो योर प्लेस नाउ वेयर यू आर नाउ यू हैव टू एक्सरसाइज दैट. अभी आप जानते हैं आप किस स्थिति में हैं आपको उसे इस्तेमाल करना होगा. व्हेन अ डेविल पोसेस्ड पर्सन कम्स एंड आई विल आस्क सम ऑफ यू टू गो एंड डील विद इट. जब कोई दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति आए तो मैं आप सबको अमर कालारी उठंगर मचा देयर दैट द डेविल इज आउट और नॉट आई विल बी आउट. डोंट बी अफ्रेड. आप ना डरे. That's the authority God has given us. वो जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है. Not that I chase the devil, therefore I am supreme, I am great. ना कि मैं दुष्टात्माओं को भगाता हूँ तो मैं महान हूँ. It is God's authority. We are handling it. ये परमेश्वर की जो अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं. Amen. Amen. So this is super or not? ये अच्छा है नहीं? Luis Aunty, super. Super. Then we'll have to go to another super, second super. हम दूसरा एक super को ले जाएं. अयो विड़ मटेंगे रे वरे नड़ा दें दें. Revelation chapter 20 verses 1 to 4. प्रकाशित वाक्य 20 के 1 से 4 तक. Verses 1 to 4. प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के पहला से 4 आयत तक. नबोटु के. Thousand years, it is bound. वो हजार वर्ष के लिए बांध दिया गया. So, what is the position of the devil? He is a person to be bound. शैतान की पदवी स्थिति क्या है कि जिसको वो बांधा जाएगा? Listen now, brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों ध्यान से सुनें. You and I are not to be bound. आप और मैं बांधे जाने के लिए नहीं. He is to be bound. वो बांधे जाना है. So who are we? हम कौन हैं? Free. हम मुक्त है. Free. आजाद है. Go to the hotel, eat whatever you want. Somebody will pay the bill. आप So free. आप आजाद हो. Who is to be bound? किसको बांधा जाना है? That fellow is bound. हाँ उसको बांधना. But who, we are free. लेकिन हम आजाद हैं. But why do you get into bondage again? आप फिर से क्यों आप बंधन में होते हो? Don't go. आप उसमें बंधन में ना जाएं. So now this is super. अभी उससे और भी बेहतर है. Super आया. Yes. ना super right. Very good. Now the third one. तीसरा है. Revelation chapter 20 verse number 7. उत्पत्ति अदने पातो को 7 पारंगे. 7 पारंगे. 7 8. Okay. Let's forget about this for some time because it requires time. Romans chapter 16 verse 20. Romans chapter 16 verse 20. Romans chapter. रोमी 16 अध्याय के 20 आयत. Hallelujah. Romans 16. अमा वासिंगे Romans 16. And the God of peace shall bruise Satan. Not only on the cross he bruised. ना ही वो क्रूस में उसको क्या है कुचला है. पूरी लिए ना इन्ना बन्दे. समझ में. Not only on the cross he bruised. ना ही वो क्रूस पे ही उसको कुचला है. That is called super. वो super है. Now he will bruise him. Under our feet also. वो अभी हमारे कदम क्या पैरों तले भी कुछ लेगा. Understand? समझ में है. So is this super or that is super? That is also super. This is super. वो भी अच्छा है. ये भी अच्छा है. Now when Jesus bruises, what do you understand? जब यीशु मसीह ने उनको कुचला है. What did you understand? दो बातें को समझ. Subjection. अधीनता है. And authority is also crushed. उसका अधिकार भी कुचला गया है. He cannot rule as a king in your life and my life. आपके और मेरे जीवन में वे एक राजा के समान नहीं भी. His authority is stripped. क्योंकि उनके अधिकार छीन लिया गया. And now where is he? अभी वो कहाँ पर है? He is under God's feet and Christ's feet. अब वो अभी मसीह यीशु के कदमों तले हैं. So he can only wag his tail, but he cannot catch you. वो अभी पूंछ हिला सकता है, लेकिन वो छू ही नहीं सकता. Now he did not stop at that. उससे वो उसे नहीं छोड़ा. He brought that fellow under our feet also. वो हमारे कदमों तले भी लेकर आया. What I did? मैंने क्या किया? You will also do. तुम भी करोगे.
I put him under subjection. मैं उन्हें अपने अधीन में रखा. And I crushed his authority. मैं उसके अधिकार को मिटना. You also put him under your subjection. तुम भी उसे अपने अधीन में रखो. And strip off your his authority. उसके अधिकार को छीन लो. I have given you authority to do that. मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ. Why are you afraid? क्यों तुम डरते हो? This is the scripture. ये जो परमेश्वर का वचन है. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है. Now, if you believe this word, अगर आप इस वचन से विश्वास करते हो, you will not listen and go. आप सुनकर नहीं जाएंगे. But you will exercise that. लेकिन आप उसको इस्तेमाल करेंगे. No demon. कोई दुष्टात्मा. No disease. कोई बीमारी. No evil. कोई बुराई. Can stand before you. आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता. Can stand before Jesus Christ. यीशु मसीह के सामने टिक नहीं सकता. If these things cannot stand before Jesus Christ. अगर ये यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं हो सकता. They cannot stand before me also. वो मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो सकता. ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் அந்த ஆவிக்குரிய அந்த brightness பார்க்கிறேன். If they cannot stand before Jesus Christ, अगर वो यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं हो सकते, they cannot stand before me also. मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो सकते. We are not called to just to be listeners. हम सुन श्रोता होने के लिए नहीं. You have to act if you believe. अगर आप विश्वास करते हैं, उसके जैसा काम करना होगा. You will act what you believe. जो आप विश्वास करते हैं, वही ऐसे काम आप you काम करेंगे. You cannot act what you do not believe. जिस पर आप विश्वास नहीं करते, वो ऐसा काम नहीं कर सकते. You have not come here to admire. How good is the preacher is? आप यहाँ पर प्रचार कैसा हुआ है उसको? But you have come here to know the truth. लेकिन आप यहाँ सच्चाई को जानने के लिए आए हो. And go in the truth. आप सच्चाई के साथ आगे बढ़े. Set the people free. और लोगों को छुटकारा दे. Set the captives free. और जो बंधन में है उसको छुड़ा ले. Bring them into the kingdom of God. और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर आए. And that is the work that God is expecting you and me to do. वही जो कार्य परमेश्वर आपसे और मुझसे उम्मीद करता है. But if you live in sin, लेकिन आप जब पाप में जीते हो, you can't put your head on the Satan's head. On the Satan's head. आप अपने पैर को शैतान के सिर के ऊपर नहीं रख सकते. Either you want to please God or you want to please Satan. That's very important. ये महत्वपूर्ण है कि क्या आप शैतान को खुश करना चाहेंगे या परमेश्वर को खुश करना. God has given us the authority. परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है. How blessed you are, do you know? आप कितना आशीष के धन्य लोग हैं आप जानते हैं. Now you know what is her seed. आप जानते हैं अभी उसके उस स्त्री का वंश क्या है. There is an enmity between your seed and her seed. और यहाँ पर उसके तेरे वंश और उसके स्त्री के वंश के बीच में वो बैर भाव है. Stand for Jesus. यीशु के लिए खड़े हो जाए. He will not leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. May the Lord bless you. प्रभु आप सबको आशीष करें. Come on, if God has spoken to you something very special as you stand and come here. अगर प्रभु आपसे कुछ विशेष रूप से बात किया है जैसे आप आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के लिए. God has revealed some secrets to you this morning. परमेश्वर ने कुछ रहस्य को आपके सामने प्रकट किया है. Then you begin to praise the Lord now. तब आप परमेश्वर की आस्था की स्तुति करने लगेंगे. As you come to the altar. जैसे आप वेदी के सामने आते हैं. Two by two. Praise the Lord. As you come now, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, you begin to praise the Lord. परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें. Well, God has told you something very precious. परमेश्वर ने कुछ बहुत ही अनमोल चीजों को बताया है. You understood? I don't know whether you understood. आपको समझ में आया? You understood? Good. That's good. That's good. बहुत ही अच्छा है. Then how would you respond to God now? तब कब से आप परमेश्वर का क्या उत्तर देंगे आप? Our response is thank you, Lord. हमारे प्रतिक्रिया जो परमेश्वर के लिए धन्यवाद प्रभु. Not just thanking and going away. ना ही केवल धन्यवाद करके बाहर जाए. But now ask him to fill with the Holy Ghost. और परमेश्वर के आत्मा से पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें. Keep the holiness of God as your foundation. और आपके नींव परमेश्वर की पवित्रता को आपके नींव के समान रखें. Believe God can use you. पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है. Believe God can use you. आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है. You saw one small boy singing beautifully here. आप देखा है कि छोटा सा बालक यहाँ कितने अच्छे रीति से गाना गा रहा था. God could use that little one to sing a beautiful song.
परमेश्वर अगर इस छोटे से बालक को अच्छे गाना को गाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, believe that God can use you. यकीन माने कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा. His Holy Spirit is for everyone. और उसके पवित्र आत्मा हर एक के लिए है, आपके लिए है. His grace is for you. उनके अनुग्रह आपके लिए भी है. His gifts are for you. और उसके वरदान भी आपके लिए है. Nobody is a favorite to God. कोई भी परमेश्वर के जो उसके ज्यादा चाहिदा नहीं है. God does not have favorites. परमेश्वर का कोई ज्यादा पसंदीदा नहीं है. Have you listened to my statement? आपने मेरे बातों को सुना है? God doesn't have favorites. परमेश्वर का कोई चाहिदा नहीं है. We people, we have favorites. हम सबके एक एक पसंद है. What is your favorite dress? आपके सबसे पसंदीदा ड्रेस क्या है? Favorite food. सबसे पसंदीदा खाना. Your favorite, something favorite. आप हर एक पसंदीदा चीज है. God doesn't have favorites. लेकिन परमेश्वर का ऐसा कोई पसंदीदा नहीं है. God wants to have only tools. परमेश्वर केवल उपकरण को चाहता है. Anybody can be God's tool. कोई भी परमेश्वर का अस्त्र बन सकता है. Not only just listener. ना ही कोई केवल सुनने वाला. Who knows, this Sunday is a very special Sunday that God may begin to work in your heart than ever before. कौन जानता है कि आज का रविवार जो है कि एक विशेष रविवार है. परमेश्वर आज से आपको इस्तेमाल करने जाए. If you go back to your old life without hunger, अगर बिना भूख और प्यास से आप पुराने स्वभाव में फिर से या पुराने जीवन में चले जाए, there'll be no change in you. आपके अंदर कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा. There'll be no change in you. आपके में कोई बदलाव नहीं होगा. But if you hunger, लेकिन आप भूखे और प्यास के साथ रहेंगे. Lord, I have come to this English service with this. Oh God, that you spoke to me something very special. I am not going to leave you till the end of my life. अगर आप ये कहते हैं कि आज की संग्रेजी आराधना में मैं आया और मुझे तूने बातें किया है, मैं आज से जीवन भर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. I want to see your power flowing through me. और परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में कार्य से कार्य करे. I want to be used by you, Lord. परमेश्वर, मैं तुझसे उपयोगी होना चाहता हूँ. Here I am, Lord. मैं यहाँ पर हूँ पिता. Here I am. मैं यहाँ पर हूँ. Use me. मुझे इस्तेमाल करे. Then work for it sincerely. और उसके लिए बड़े ध्यान से यत्न पूर्वक कार्य करे. Not few minutes of this commitment will help you. इस थोड़े से समय की जो समर्पण आपको मदद नहीं कर सकता. Your priorities must change. आपकी जो प्राथमिकता बदलना जरूरी है. Your interests must change. आपकी इच्छा जो बदलना जरूरी है. You must be ready to pay the heavy price. आपको एक बहुत बड़ा मोल चुकाने के लिए तैयार होना होगा. Don't be satisfied with just church coming, church going. आप कलिसिया में आना, कलिसिया से जाना के उससे संतुष्ट ना हो जाए. Oh God. हाँ प्रभु. I should never be selfish in my life. मेरे जीवन में मैं कभी स्वार्थी ना हूँ. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. That's a call for everyone. ये जो हर एक के लिए एक बुलाहट है. Are you here to cry unto God? हम सब यहाँ पर है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए. He listens to your cry. वो आपकी प्रार्थना को सुनता है. He listens to your voice. आपकी पुकार को वो सुनता है. He loves you. वो आपसे प्रेम रखता है. Oh, I tell you, he loves you very much. मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम रखता है. Let me close with a word of prayer for you. मैं आप सब के लिए प्रार्थना करके अंत करना चाहूंगा. We have no time that all should pray. हम सबको प्रार्थना करने का समय नहीं है. If you are ready, put up your hand, right hand unto God. हम अगर आप तैयार हैं तो अपने दाहिने हाथों को उठाए. And join me in prayer. हम मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए. Father, in the name of the Lord Jesus Christ. पिता यीशु मसीह के नाम से. Lord, I come on behalf of every brother, every sister, who every person who is standing here in front of you. यहाँ पर जो सारे जो तेरे भाई प्रभु भाई बहनें जो तेरे सम्मुख खड़े हैं उनके बदले में मैं तेरे सम्मुख आया हूँ. First of all, I thank you for thy word, O Lord. सबसे पहले मैं तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ. I thank you for thy truth, Lord. तेरे सच्चाई के लिए हम धन्यवाद करता हूँ. Thank you for the highway of saints. साधुओं के उस सराज मार्ग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. These are your people who are in the highway of saints. ये जो लोग हैं वो साधुओं के मार्ग में हैं. Thank you, Father, for the privilege. सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं. Now ask you, Father. अभी मेरी ये प्रार्थना है पिता. That thy mantle. तेरे the mantle of power. अब सामर्थ की जो कपड़ा है प्रभु. That the mantle of power. अब सामर्थ की जो कपड़ा है प्रभु. The mantle of grace of God. अब परमेश्वर के अनुग्रह प्रभु. The mantle of joy and the hope. जो आशा और आनंद की जो कपड़ा है चादर प्रभु.
That, oh God, that as you said, oh Father, that you have crushed the devil under our feet. जैसे तेरे वचन में तूने कहा है कि तूने हमारे पैरों तले शैतान के सिर को कुचला है. Let your children also do that according to your scripture. और तेरे वचन के अनुसार तेरे बच्चे भी वो करने पाएं. There is still time. और फिर और भी काफी समय है. So let these wonderful, precious people might work, O Lord. और तेरे बहुमूल्य लोग प्रभु उसके लिए कार्य करने लगे. And Lord, thrill them with the power of God. और तेरे सामर्थ्य से उनको भरपूरी करे पिता. Thrill them. अब भर दे पिता. Wow, what is the power of God flowing through them? Oh, परमेश्वर के सामर्थ्य बह रहा है. To break the chains of the devil in the lives of others. और दूसरों के जीवन में शैतान के बंधन को कुचलने के लिए. People free from the bondage of the devil. और शैतान के बंधन से लोगों को छुड़ाने के लिए. Use them as a mighty weapon in your hands with the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक सामर्थ्य अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करें. Let them be your healers. चंगाई के उपकरण बने. Let them be your deliverers. दूसरों को छुड़ाने वाले बने. Let them be your agents, Lord. और तेरे प्रतिनिधि बने पिता. To bring people from the darkness into the everlasting light. और उस अनंत ज्योति में लाने के लिए अंधकार से लाने के लिए बने. Let your people pay heavy price for it, Lord. उसके लिए बहुत बड़ा मोल को चुकाने पाए. Bless them, dear Lord. और उन्हें आशीष दे पिता. Glorify thy name through each and every person, Lord. हर एक व्यक्ति के द्वारा तेरे नाम को महिमान हो. Lord, the greater days are ahead, Lord. अब और बहुत बड़ा प्रभु अच्छे दिन आने वाले. Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्ग. Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद. Use every young brother and every young sister. हर एक जवान भाई बहनों को तो इस्तेमाल करे. Young small children, use them. छोटे बच्चों को भी तो इस्तेमाल करे. Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे पिता. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. 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 நீதான் எனக்கு நிரந்தரமானவர் இயேசுவே, இயேசுவே. இனி யார்தான் எனக்கு எதிர் வரக்கூடும் இயேசுவே, இயேசுவே. நீதான் எனக்கு நிரந்தரமானவர் இயேசுவே.